हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ बड़ा होगा, फिर हम पानी डालेंगे, फिर फ्रूट्स लगेंगे, फिर फ्रूट्स खाएंगे। आखिर वो ऐसे कौन से भयानक विचार होते हैं जो एक इंसान को दूसरे की जान लेने पर मजबूर कर देते हैं, और अक्सर हत्यारा कोई ऐसा होता है जिससे किसी भी तरह के जुर्म की उम्मीद तक नहीं की जाती। जो दृश्य अभी हमने देखा, क्या था उसके पीछे का सच? क्यों किसी ने एक 6 साल की मासूम बच्ची की इतनी निर्ममता से हत्या की? और हैरत की बात तो यह है कि 7 सालों तक ना तो सूटकेस में दफनी लाश बरामद हुई और ना ही इस बच्ची का हत्यारा पकड़ा गया। लेकिन 7 सालों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस को फिर से रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया और कातिल का पर्दाफाश कर इंसाफ दिलवाया। इनका नाम नैना सेठ है, ये इनका पति का घर साहब। प्रमोटर वेपन? सारा घर छान डाला, कुछ नहीं मिला सर। बेडरूम में कुछ सामान बिखरा पड़ा था, कुछ गए नहीं और कैश गायब थे साहब। मतलब बर्गली केस और मर्डर, पर बड़ी अजीब बात, चोर या मर्डरर एक बार में भी इन्हें रोक सकता था, पर ये इस तरह के मल्टीपल स्ट्राइक्स। अच्छा, फोरेंसिक फोटोग्राफर आ रहे? हाँ साहब, आ ही रहे। रिया बेबी को बचा लो साहब, रिया बेबी को बचा लो। बचा लेंगे, पहले आप रोना बंद कीजिए और ये बताइए कि क्या हुआ। वादवी साहब, छोड़ो मुझे। चुप, छोड़ दो रिया बेबी को, कुछ मत करो सर, छोड़ दो जो हमेशा बंद रहता है सर। तो ये गेट लांग कर तो कोई भी आ सकता है। कहाँ है कैमरा यहाँ? सर वो कैमरा क्या, यहाँ वो कैमरा ही नहीं है, पीछे की तरफ भी तो कैमरा होना चाहिए ना। तो ब्लाइंड स्पॉट तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो पीछे के पूरे सेक्शन में एक भी कैमरा नहीं है। मतलब मर्डरर शायद वहीं से आया और वहीं से गया होगा। लेकिन शिंदे, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो रिया को अपने साथ क्यों ले गया? मतलब बर्गलरी केस है, चोर चोरी करने के इरादे से आता है, मिसेस सेठ सामने आती है, उन्हें मार दिया, पद्मा आई उसे जख्मी कर दिया, उसी तरह वो रिया को भी वहीं छोड़कर जा सकता था। उसे अपने साथ में ले जाना बेवकूफी भी है और रिस्क भी। शायद हॉस्टेज बनाकर ले गया होगा ताकि जरूरत पड़ी तो बच निकलने में रिया काम आए। अगर वैसा होता तो रिया आसपास ही कहीं मिल जाती, क्योंकि बिल्डिंग से बच निकलने के बाद वो रिया को ज्यादा दूर अपने साथ नहीं ले जाएगी, अनलेस रिया को किडनैप करना ही उसका मोटिव। तो फिर ये रॉबरी वगैरह पुलिस को गुमराह करने के लिए? वो रिया को ही लेने आया था, माँ बीच में आई तो उसने माँ को मार दिया और फिर रिया को लेके। तो फिर ये चोरी का नहीं, एबडक्शन का केस। लेकिन सर कोई तो देख लेगा दोनों को एक साथ, रिया इतनी आसानी से कैसे चली जाएगी? लेकिन अगर वो दोनों वहां थे ही नहीं तो? मतलब ये कि हो सकता है ये पद्मा हमसे झूठ बोल रही, हो सकता है ना रिया वहां थी ना वो आदमी, इसीलिए किसी ने उन्हें नहीं,
इस पद्मा ने ही चोरी की और उसके बाद मिसेस सेठ को मार दिया और बचने के लिए ये पूरी कहानी बनाई हो। सर वैसे भी 5 में से 1 मर्डर केस में सबसे पहले इन्फॉर्म करने वाला आदमी ही मर्डर होता है। यहाँ तो रिया पहले से ही गायब थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिया को गायब करने में पद्मा का हाथ हो। पॉसिबल है। वैसे भी इस मामले की सबसे प्राइम विक्टिम नैना सेठ नहीं बल्कि रिया है। एक काम करो, इस पद्मा का बैकग्राउंड चेक करो, कहाँ रहती है, घर में कौन कौन है, कब आई और इस सेठ परिवार के साथ कब से, सब कुछ। यस सर। और रिया की भी डिटेल्स चेक करना शुरू करते हैं, देखते हैं शायद कोई सस्पेक्ट निकला है जो रिया को किडनैप करना चाहता। नैना सेठ के हस्बैंड से कोई कॉन्टैक्ट हुआ? नहीं सर, अभी तक नॉट रिचेबल। फोन रिकॉर्ड मांगा सबके। यस सर। मुझे रिया बेरी के बारे में कुछ नहीं मालूम, जितना मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया साहब। मुझे जितनी रिया बेबी की पड़ी है था उतनी उसके माँ बाप को भी नहीं पड़ी थी साहब। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके माँ बाप को नहीं पड़ी थी? अरे नैना हाँ हो तुम, जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं यार। हाँ चलिए, फास्ट चलिए। मैडम जी बेबी को बहुत तेज बुखार है, इसे छठे माले पे डॉक्टर है वहाँ पर दिखा दो। नैना ये तुम्हारी कोई स्टूपिड किडी पार्टी नहीं है यार, डिनर है, चलो जल्दी। दोनों ने मिलकर उस मासूम बच्चे का सत्यानाश कर दिया था। मैं जानती थी कितना रोती थी वो, कितनी दुखी थी वो, क्या मांगती थी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा साथ। पता नहीं रिया बेबी कहाँ होंगे साहब। ठीक है अभी तुम जा सकती हो, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। जी साहब। पता करना पड़ेगा। यस सर। वो इंदर सेठ रिया का बाप वापस आ गया है। अच्छा हुआ मर गई नैना, डिवोर्स मांग रही थी, अब कम से कम मुझे एलिमनी तो नहीं देनी पड़ेगी। और सर आप उस नैना को जानते नहीं थे, एक लालची औरत थी वो। और रिया? चलिए माना पत्नी से नफरत थी, पर बेटी की तो फिक्र होगी ना आपको। शी वॉज ए प्रॉब्लम चाइल्ड, एक मिनट चैन का मैंने नहीं बिताया इसकी और इसकी माँ की वजह से। Anyways, आप नहीं समझे। हमारा एक कांस्टेबल यहाँ रहेगा पूरे समय, आप शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, पूछताछ करने के लिए आपकी जरूरत पड़ सकती है। देखिए इंस्पेक्टर मैं एक बिजी आदमी, जो भी करना है कीजिए, लेकिन इस शहर के अंदर 100% रिया ही नैना का खून कर भागी और इसीलिए अभी तक मिल नहीं रही है। ये आप क्या कह रहे? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, हमेशा तू तू मैं होती रहती थी। Enough is enough, रिया। आवाज डीजी करके बात करना रिया मुझसे। Mom, please. Why you interfere in my life? Please stop it and please go. इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, तुम्हें हर काम मेरी मर्जी से करना पड़ेगा और यह बात भूल जाओ कि तुम कॉलेज के ट्रिप में जा पाओगी। दोनों एक दूसरे को गाली देती रहती थी और मैं बस खड़ा होकर सुनता रहता था। जिस मर्डर ने इतने वार करके नैना सेठ को मारा उसने पद्मा को सिर्फ एक छोटी सी चोट देकर जिंदा छोड़ दिया। हजम नहीं होता। सर पद्मा के बयान में उसने कहा था कि रिया ने उसे बचाने की कोशिश की थी, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मर्डर ने उसकी बात सुनकर पद्मा को जिंदा छोड़ दिया हो। अब ये पद्मा या तो उस मर्डर के साथ मिलकर काम कर रही है या फिर रिया उस मर्डर के साथ मिली हुई। वैसे भी वो अपनी माँ से नफरत करती थी, उसके पिता का भी मानना है कि वो अपनी माँ की जान ले सकती है। सर ये प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है, दोनों एक साथ घर से भागना चाहते थे, माँ ने देख लिया तो माँ की भी जान ले ली और इसीलिए शायद कातिल ने इतने वार किए, क्योंकि जब कोई मर्डर इमोशन से जुड़ा होता है तो ऐसा ही होता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भी नैना पहले ही वार में मर गई थी, लेकिन फिर भी उस पर इतने सारे वार किए गए। तुम उसकी बिल्डिंग के फ्रेंड्स और कॉलेज में पूछो और टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाओ ताकि सोशल मीडिया में उसके अकाउंट्स चेक कर सकें। एक मिनट, ये पेज खोलो। बर्न अलोन विल डाई अलोन, मरने से क्यों डरूं, धोखा तो मुझे लाइफ ने दिया है, जन्म देकर मौत दी, थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे। ये लड़का, इसका नाम पता चल सकता है? नो सर, टैग नहीं किया और ना ही कोई कमेंट्स ना लाइक ना शेयर किया गया, इस लड़के की इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल है।
इधर आओ। ए, तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर। क्या सुन रहे थे चुपके से? कुछ नहीं साहब। कुछ नहीं, सच बता, नहीं तो उल्टा लटका के मारूंगा मैं। साहब मैं तो बस सुन रहा था कि कहीं कोई मेरी कंप्लेंट तो नहीं कर रहे हैं। क्यों करेगा कोई कंप्लेंट? कुछ गलत किया होगा इसलिए डर रहा है ना साहब। वो लड़की रिया, मैं उसकी मदद करता था कॉलेज से भाग निकलने में, लेकिन उसके बदले में मुझे पैसे देती थी साहब। कितनी बार हुआ ऐसा? बहुत बार हुआ ऐसा। कभी किसी लड़के के साथ मिलते हुए देखा था, कुछ याद है? हाँ साहब, एक लड़का आता तो था उससे मिलने के लिए। और इस तरह इस मामले में पहली बार पुलिस को एक महत्वपूर्ण बढ़त मिली। लेकिन रिया से अक्सर मिलने वाला वो लड़का कौन था? पद्मा और इंदर पर पुलिस का शक कायम रहा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि इस लड़के की खोज उन्हें रिया तक पहुंचाएगी। सिक्योरिटी गार्ड द्वारा दिए गए ब्यौरे और रिया के फेस पेज अकाउंट की बदौलत पुलिस के पास अब उस रहस्यमय लड़के की तस्वीर थी। सवाल था बस अब उसकी असली पहचान का। सर, रिया के कॉल रिकॉर्ड्स। वैसे ज्यादा लोगों के साथ तो टच में नहीं थी। पद्मा, एक आध क्लासमेट्स और प्राइवेट ट्यूशन को छोड़कर ये दो नंबर सामने आए। ये एक कोई मिसेस रजनी, ये रहा एड्रेस, और दूसरा एक लड़का है आबिर, रजिस्टर्ड एड्रेस है किसी बॉयज हॉस्टल का। इंटरेस्टिंग, चलो सर दोनों से मिलते हैं। आपके पिताजी? नहीं नहीं, मेरे पति थे। ओह, आई एम सॉरी, मुझे इस समय ऐसे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक जांच चल रही है और उसी के सिलसिले में आपसे कुछ बातचीत करनी है। यस ऑफ कोर्स, बताइए। करीब दो महीने पहले आप किसी रिया सेठ से बातचीत हुई थी आपकी? रिया सेठ? मैं तो ऐसी किसी औरत को नहीं जानती। लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है, उसी के फ़ोन रिकॉर्ड्स में हमें आपका नंबर मिला, कुछ तीन कॉल्स घुमाए गए थे। लेकिन मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती हूँ, हो सकता है रॉन्ग नंबर हो। ठीक है, कुछ याद आए तो बता दीजिए। वैसे क्या उम्र थी आपके पति की? 65 के थे। ओके। ये औरत रजनी खुद है 40 साल की मुश्किल से और पति 65 साल का, अचानक हार्ट अटैक से पति की मौत हो जाती है। नहीं सर, ये रजनी मुझे बहुत डाउटफुल लगी सर। शिंदे, एक काम करो, किसी को भेज कर उस पर नजर रखो। मैं भी इस एड्रेस पर पहुंच गया हूँ, लेकिन ये हॉस्टल नहीं, अनाथ आश्रम है। ओके सर, चलो। यस सर, बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं? मुझे अभीर से मिलना है। बुलाइए उसे। वो तो लापता है ना सर, हमने तो कंप्लेंट भी लिखवाई थी ऑर्फेंस रूल्स के हिसाब से। लापता है कब से? चार मई से। चार मई से? क्यों सर, भाई उसने कुछ गलत? क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन वो थोड़ा हाथ से बाहर गया हुआ लड़का है। ड्रग्स की भी लत लगी थी उसे, डिप्रेशन की वजह से अचानक गुस्सा हो जाता है और इतना गुस्सा मानो पागल हो जाए सर। मुझे अभीर के सारे रिकॉर्ड चाहिए। निकलवाता हूँ सर, अभीर के ऑर्फनेज के रिकॉर्ड। गुड, बट सर 5 साल की उम्र में अनाथ हुआ था, तब से अनाथालय में ही है। फिर 2008 में उसे अडॉप्ट किया गया था। किसने अडॉप्ट किया? रजनी और हर्षवर्धवा ने। रजनी? उसकी छोटी बहन भी है जो पिछले 7 साल से लापता है। जब उसकी बहन गायब हुई तब आबिर की उम्र 11 साल थी। दीपा के लापता होने के बाद हर्ष और रजनी का डिवोर्स हो गया, फिर आबिर की कस्टडी हर्ष को दे दी गई, फिर कुछ ही दिनों बाद हर्ष की मौत हो गई। फिर रजनी आबिर की कस्टडी नहीं ले पाई तो कोर्ट ने वापस उसे अनाथालय भेज दिया होगा। मतलब दीपा के गुमशुदगी का केस पिछले 7 सालों से अनसॉल्व्ड है। ऑर्फनेज के वार्डन ने मुझे बताया था कि आबिर काफी हिंसक प्रवृत्ति का था। सर कहीं दीपा के गायब होने में आबिर का ही तो हाथ नहीं है? आबिर तब 11 साल का था। अगर वाकई हमारे अंदाजे के मुताबिक आबिर ने नैना को मारा है तो शायद आबिर ने अपने बहन को भी। आखिर इस तरह के हिंसक क्रिमिनल्स अपना पहला गुनाह बचपन में कमिट कर लेता है। आबिर रजनी के कॉन्टेक्ट में था, पर रजनी का कहना है कि वो रिया को नहीं जानती। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही? एक काम करते हैं, इस रजनी से फिर से पूछताछ करते हैं। जी, आबिर और दीपा को मैंने और हर्ष ने गोद लिया था, लेकिन हमारा जल्दी ही डिवोर्स हो गया, फिर हर्ष की मौत हो गई। उसके बाद आपने फिर से शादी की? जी, दो बार। और मेरे दोनों पति आबिर की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। अगर मैं उसे अकेले ही बड़ा कर पाती तो एक सेकंड भी नहीं सोचती, घर ले आती उसे। कुछ महीनों पहले आबिर ने आपको कॉन्टेक्ट किया था? 7 महीने पहले।
एक बार फिर मेरी उससे मुलाकात हुई। 11 साल का था जब उसे देखा था, तो बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद से हम कांटेक्ट में थे और मैंने उसे कुछ पैसों से मदद भी की। माँ आखिर माँ ही होती है ना। और रिया का कॉल क्यों आया था? मैं नहीं जानती, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, मैं उस लड़की को नहीं जानती। आप कह रहे हैं कि वो अबीर की दोस्त है, तो हो सकता है अबीर ने उसके फोन से मुझे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की हो। अबीर के बारे में हमें ऑर्फनेज से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, पता चला कि अबीर बहुत वायलेंट किस्म का लड़का है, हमेशा गुस्से में रहता है, आसपास के लोग डरते हैं उससे। जब वो आपके साथ होता था तभी भी ऐसा ही था? गुस्सा तो आता था उसे, पर वो जिद थी बेसिकली, और हर बच्चा करता है। पहले अनाथ, फिर ऑर्फेंस हाउस, फिर हम लोगों के पास आना, इतने सारे बदलाव आए उसके जीवन में, कुछ तो असर पड़ना था ना उसके ऊपर। और दीपा, अबीर की बहन, उसे भी गोद लिया था ना आप, क्या हुआ उसे? काश मुझे कुछ पता चल पाता। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड लगा था उसे गायब होने। वो गार्डन में खेल रही थी और बस कुछ समय के लिए किचन में गए, आई देखा शी वाज गॉन, वो वहां नहीं थी। क्या आपको लगता है कि दीपा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें अबीर का हाथ हो सकता है? नहीं नहीं सर, अबीर बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको अबीर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करे तो हमें बताइएगा। डेफिनेटली सर, मुझे भी उसकी चिंता है, मैं नहीं चाहती कि वो कुछ गलत कर बैठे। सर न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है बार बार कि औरत हमसे कुछ छिपा रही होगी। एक बार बेटा बनाकर उसे गोद लिया था, अब शायद फिर से माँ बनकर उसकी मदद कर रही है। अबीर की हिंसक प्रवृत्ति के बारे में कहने पर देखा था कैसे घबरा गई थी, और या तो रजनी खुद उससे डरती है और या फिर उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है। सर मुझे भी ऐसा लगता है कि आबिर और रिया घर से भागने के फिराक में थे और आबिर के साथ लगाव के कारण उसने भागने में मदद की होगी। रजनी पर नजर रखो, या अभीर पक्का इससे कांटेक्ट करेगा। रजनी निश्चित तौर पर अभीर की मदद कर रही थी और अपने इसी यकीन की वजह से पुलिस ने रजनी पर तकरीबन एक हफ्ते तक नजर रखी, लेकिन फिर रजनी को बार बार एक अनजान घर में जाते हुए देखा गया। पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद अभीर उस घर में हो सकता है। जब पुलिस ने आसपास के घरों में पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि उस घर में 78 साल के कोई मिस्टर मखीजा रहते हैं अकेले। इस जानकारी के मिलने के कुछ ही दिनों बाद रजनी को अपने साजो सामान सहित उसी घर में पनाह लेते हुए देखा गया, लेकिन अब भी ना अभीर की तरफ से रजनी से संपर्क करने की कोई कोशिश की गई थी और ना ही रजनी की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने आई थी। सर हमने आसपास के लोगों से, ठेले वालों से, सभी से अभीर के बारे में पूछताछ की, फोटो दिखाई, लेकिन किसी ने अभीर को नहीं पहचाना। सर रजनी का उस घर से या मिस्टर माखीजा से जो भी ताल्लुक हो, अभीर की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखती। रजनी के पिछले एक हफ्ते के कॉल रिकॉर्ड्स सर चेक कर रहे हैं, रोज अपडेट हो रहे हैं, आबिर का कोई कॉल नहीं था। क्या है? सर आपने आबिर के फोन रिकॉर्ड्स में से अननोन नंबर्स की इन्फॉर्मेशन मांगी थी। आ गया सर, राजेंद्र सिंह, एड्रेस भी मिल गया। राजेंद्र सिंह, कॉल से देखो और बताओ। सर ये दोनों, इन दोनों को तो उसे मैंने गोवा छोड़ा था सर। सर मैं एक्चुअली, मेरा प्राइवेट कार का बिजनेस है ना सर, और ये लड़का तो चर्ची है, हर बार गोवा जाने के लिए मेरी गाड़ी यूज करता था। और लड़की? इस लड़की को तो पहले कभी नहीं देखा सर, उस दिन पहली बार देखा था सर। क्या चल रहा था दोनों के बीच गाड़ी में, ठीक से याद करो। जी ये सब बंद कर वरना। भाई सब ठीक है ना? हाँ बस थोड़ी तबीयत खराब है, तुम गाड़ी चलाओ। ये हाईवे के बाद आगे कोल्हापुर में मेडिकल मिलेगा, रुकना है क्या? तुम सीधा गोवा लेके जाओ, कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है, समझे? ओके। राजेंद्र फोकस करो, ठीक से याद करो, क्या बात कर रहे थे दोनों? कुछ भी अजीब, कुछ भी अलग गाड़ी में दिखाओ तो। सर खुसुर फुसुर तो चालू था उन लोगों का, फुल टाइम खुसुर फुसुर चालू था। लड़की ऐसा बोल रही थी कि हमने जो किया गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत घबराई हुई थी लड़की सर। और सर लड़का भी बहुत भड़का हुआ था, तीन चार बार लड़की पे बहुत चिल्लाया लड़का। गोवा में कहाँ छोड़ा था, एड्रेस? सर किसी होटल के पास नहीं छोड़ा था, वो वाघा बीच है ना, वाघा बीच के पास छोड़ा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी सर। शिंदे अगर ये सच है तो फिर रिया की जान को खतरा है, अभी के अभी गोवा निकल, नॉट गोवा हेडक्वार्टर्स में मेरे बैचमेंट उनसे असिस्टेंस तक। मैं जरा इस पुराने केस को फिर से स्टडी करता हूँ जो 7 सालों से सुलझा नहीं। अच्छा दीपा का मिसिंग केस? क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, अबीर और उसका गुस्सा। सर आबिर और रिया को पहले ट्रेस करना तो मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहाँ के लोग
लोकल पुलिस के खबरी नेटवर्क टीम बहुत काम आए। एक खबरी ने आबिर को देखा है। उसे ये तो नहीं पता कि आबिर आता कहाँ से है, लेकिन ड्रग्स खरीदने जाता कहाँ है ये उसने देखा है। हमने इस एरिया को लोकेट कर लिया और उस ड्रग्स बेचने वाले आदमी को भी लोकेट कर लिया। पूरी टीम रेडी है, नजर टिकी हुई है, बस अभी यहाँ आबिर और रिया के आने का इंतजार है। ठीक है शिंदे, जैसी जरूरत लगे वैसा करो। जी सर। पर मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से, इस अभीर का कोई भरोसा नहीं है। यस सर। सर आबिर को पकड़ना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ड्रग डीलर को भी। यस सर। ओके। मुंबई से गोवा आना पड़ा। बोल बोल रिया किधर है? सर मुझे नहीं मालूम रिया के बारे में, मैंने कुछ नहीं किया सर। सब मालूम पड़ जाएगा। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो फिर भी तुझसे सवाल पूछ रहा था। ये सर एक बार शुरू हो जाए ना तो तुझसे सवाल पूछेंगे नहीं, तेरे से जवाब उगलवाएंगे, समझा? मैंने तुझे बोला था ना, लेकिन तू सुना नहीं। अब ये बेल्ट ही तुझसे जवाब उगलवाएगा। भाग गई वो, भाग गई। कहाँ? सर बता नहीं सर, मुझे लगा था अच्छी लव्स मी, लेकिन सर नजर होने के बाद, मुंबई से भागने के बाद मुझे वापस जाके बोलती है कि दैट आई एम ओनली अ फ्रेंड फॉर हर। अरे सर ऐसे कहीं होता है क्या? पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा था मैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या सर, अगले दिन सुबह उठ के देखा सारा पैसा और ज्वेलरी लेके भाग गई ब्लडी एस्केपिस्ट। तुझे क्या लगता है कि सब बकवास कहानी सुनाएगा और हम लोग मान लेंगे? हमने राजेंद्र से बात कर ली। राजेंद्र? हाँ राजेंद्र, और उसने हमें बताया कि तू किस तरह से रिया को धमकी दे रहा था। अरे सर काय की धमकी सर, वो तो मैं बस उसको बोल रहा था कि अपना मुंह बंद रख, क्योंकि सबके सामने सच्चाई उगल रही थी। और वो भी सर मैंने उसको ये बोला था कि अपना मुंह बंद रख वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सर कौन सा सच उगल रही थी? मर्डर का? कैसा मर्डर सर? अबीर भोला मत बन, तूने रिया की मां का मर्डर किया है ना? क्या? या फिर तुम दोनों शामिल थे इसमें? अरे सर ये क्या कुछ भी बोल रहे हो आप, रिया की मम्मी तो तब थी भी नहीं जब हम लोग वहां से निकले। और सर हम लोग का यही प्लान था, सारी ज्वेलरी और कैश लेके निकल जाना कि जब रिया की मम्मी घर पे ना हो। सर हम लोग तंग आ रहे थे, मैं अपने ऑर्फनेज से और रिया अपने मॉम एंड डैड से, इसलिए हम लोग जाना चाहते थे कहीं दूर टू मेक अ न्यू स्टार्ट। और सर रिया को भी नहीं पता होगा कि उसकी मॉम मर गए। फिर से झूठ? हाँ हमारे पास चश्मदीद गवाह है जिसने तुझे खून करके भागते हुए देखा है। आई विटनेस? रिया के घर काम करने वाली बाई पद्मा, उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। जा रही थी? मेरा गांव है वहाँ, मैं उधर से ही हूँ सर। सच सच बताओ। हाय शपथ साहब, मैं गांव ही जा रही थी, मेरे परिवार के कुछ लोग हैं वहाँ, मुझे अब नहीं रहना यहाँ। रोज रोज रिया बेबी के बारे में सोचकर और वो नालायक इंदर साहब उनको मजा करते देख मैं ही नहीं देख सकती साहब। एक सच बात बोलूं, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि रिया बेबी अब मर चुकी है। जिस हिसाब से उसका फोन वोन नहीं आ रहा है वो नकित मर गई सर। रिया के मर्डर का बहाना देके नैना के मर्डर से बचना चाह रही थी तू? रिया के साथ जो लड़का था ना उसे हमने पकड़ लिया, उसी ने कहा है कि वो दोनों सिर्फ चोरी करना चाहते थे, चोरी किया और भाग गए, बची तू। वो झूठ बोल रहे सर,
वो खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। मैंने जो कुछ भी देखा आपको बता दिया सर। वो तो मुझे भी मारने की कोशिश किया था। मैं जो क्यों बोलेगी सर। अच्छा मुझे इसके फोन रिकॉर्ड चाहिए, जिस दिन हमने अबीर को गिरफ्तार किया था उसके एक दिन पहले से लेके आज तक। यस सर। सर हमने इंदर के फोन रिकॉर्ड्स डिटेल में चेक किया। ऑफिस और दोस्तों के अलावा वो खास किसी के साथ टच में नहीं था। ऑफिस में जाके पूछताछ की तो पता चला कि छोटा मोटा ऑफिस इन्वॉल्वमेंट छोड़कर किसी के साथ कोई अफेयर या सीरियस रिलेशनशिप में वो नहीं था। सो बेसिकली ही इज अ क्लीन गाय, वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। फिर रजनी, रजनी तो खुद ही आउटसाइडर है, नैना को वो नहीं जानती। रजनी का कनेक्शन आबिर से है और उसके थ्रू रिया तक है। अब रिया खुद लापता है। रिया के बारे में पूछताछ करने के लिए हम जब गोवा गए तो पता चला कि किसी ने रिया को देखा ही नहीं। अब रही बात आबिर और पद्मा की, ये आबिर और पद्मा एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आबिर ने हमें कहा था कि जब वो चोरी करने गया था तो नैना घर पे थी ही नहीं, जो कि झूठ है क्योंकि हमारे पास नैना के कॉल डिटेल्स के हिसाब से नैना उस वक्त घर पे मौजूद थी। और पद्मा की बताई हुई कहानी तो हम सबको बताई। सो बेसिकली जब तक रिया नहीं मिल जाती तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। शी इज द की। लेकिन सर हम ढूंढेंगे कैसे? मुझे पक्का यकीन है कि पद्मा गोवा जा रही थी रिया से मिलने, लेकिन ये मानेगी नहीं। इसीलिए पद्मा के लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड मिलना बहुत जरूरी है। हो ना हो अबीर के गिरफ्तार होते ही रिया ने घबरा कर पद्मा को फोन किया हो। शिंदे मुझे डर है कि कहीं हम रिया तक पहुंचने में देर ना कर। सर आपने रजनी के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, उसका बैकग्राउंड भी चेक हो गया है सर। रजनी के तीनों पति हार्ट अटैक से मारे, तीनों 60 के ऊपर, अकेले और कोई परिवार भी नहीं। अरे रजनी का बैंक स्टेटमेंट हर पति की मौत के बाद बढ़ता ही गया। अब तो नया शिकार ढूंढ लिया उसने, मिस्टर मखीजा, उसी के साथ तो रहती है आजकल। तुमने सही कहा था शिंदे, इस रजनी के मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और कोई केस भी नहीं। कैसे होगा सर, डेथ तो नेचुरल है, मरने के बाद तुरंत बॉडी क्रीमेट कर दी गई, कहां से मिलेगा सबूत? सिवाय उसके लास्ट हस्बैंड के, विंसेंट जोन्स, कैथोलिक, मतलब उसकी बॉडी को जलाया नहीं बल्कि दफनाया गया। वो कहते हैं ना शिंदे, क्रिमिनल को हर बार लक की जरूरत पड़ती है पर पुलिस को सिर्फ एक बार। इस विंसेंट की बॉडी निकलवाने का अरेंजमेंट करो, रजनी तो कंसेंट देने से नहीं, कोर्ट से वारंट निकलवाना पड़ेगा। और एक काम और करते, इस अभीर से बात करते, जरा पता करें कि उसको इन वारदातों के बारे में क्या मालूम, शायद इसी के जरिए उसकी लापता बहन की भी गुत्थी सुलझ जाए। यस सर। सर प्लीज मेरे जाने। सर कितना बिठाओगे सर, अब बस करो ना। जाएगा बाहर जाकर। फिर सुनाशा हालत देखिए अपनी कैसी हो गई है। आबिर सच बताएगा तो हम तुझे जाने देंगे। सर मेरा यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया। रजनी के बारे में बता, रजनी के पति कैसे मरे, उनकी मौत में उसका क्या हाथ था? तूने मदद की थी उसकी? अरे नहीं सर। सच बोल। नहीं पता मुझे सर कुछ भी। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी की मदद नहीं की, बस मुझे जाने दो। रिया कहाँ है, जिंदा है या मार दिया उसे रजनी के साथ मिलकर? सर मुझे नहीं पता सर रिया के बारे में। सर सर प्लीज सर, सर मुझे जाने दो सर। अबीर, अबीर दीपा कहाँ है, तेरी बहन, तूने मारा उसे? दीपू? नहीं सर, मैंने दीपू को नहीं मारा सर, और ना ही रिया को मारा सर। तुझे क्या लगता है झूठ बोलकर बच जाएगा? 10 मिनट में रजनी को यहां बुलाता हूं, दोनों माँ बेटे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करूंगा, सारा सच बाहर आ जाएगा। नहीं सर, सर नहीं, सर रजनी को यहाँ पे मत बुला दे सर, मुझे मार डालेगी सर। सर प्लीज सर, सर आपके हाथ छोड़ता सर, उसको यहाँ पे मत बुला दे सर। सर प्लीज सर, मुझे मार डालेगी सर। प्लीज सर उसको मत बुला दे यहाँ पे सर। स्टेबल है लेकिन कुछ समय तक विड्रॉल सिम्टम्स होते ही रहेंगे। लेकिन सर आपने एक बात नोटिस की, रजनी का नाम सुनते ही उस पर क्या असर हुआ? सर विंसेंट जोन्स, मतलब रजनी के पति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोटेशियम क्लोराइड, इसका मतलब ये हार्ट अटैक नेचुरल नहीं था, ट्रिगर करवाया गया था। पोटेशियम क्लोराइड के इतने बड़े डोज से मिनटों में दिल की धड़कन रुक सकती है। यू मीन मर्डर? यस। एक काम करो, अभी के अभी एक टीम लेकर जाओ, रजनी के घर की तलाशी लो, जहां वो अभी रहती है और जहां वो पहले रहती थी, और उसके बाद उसे पूछताछ के लिए यहां लेकर आओ।
यस सर। अरे सर आप? सर्च वारंट, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन? अजीब नहीं है ये रजनी जी, आपके सारे के सारे पति, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीनों के तीनों एक ही तरह से मरे, हार्ट अटैक। शायद मेरे नसीब में। जी नहीं, नसीब का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, पोटेशियम क्लोराइड का जरूर हो सकता है। कुछ देशों में मौत की सजा देने के लिए कैदियों को जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है और उसमें ये पोटेशियम क्लोराइड ही होता है ना। और आपका आखिरी पति विंसेंट जोन्स, उसकी बॉडी पर तो सुई का निशान भी मिला है, वही सुई जिससे उसे पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन दिया गया था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पुलिस की एक टीम आपके पुराने घरों पर भी छापे मार रही है। इसीलिए सच कबूल कर लो, वरना जितना झूठ बोलोगी ना उतना ही दर्द होगा जब हम सच उगलवाएंगे। मीना जी रुको, इसकी जरूरत नहीं है। नर्स होने की वजह से मेरे लिए बूढ़े अकेले बीमार पेशेंट ढूंढना बड़ा आसान था। मैं वैसे ही पेशेंट ढूंढती थी जो अमीर, जो मरने के कगार पे हो, फिर उसके पैसे मेरे, जायदाद मेरी। और दीपा, उसे क्या हुआ? मुझे नहीं पता दीपा को क्या हुआ। हमें पता है, हमने अबीर से बात की। अबीर देखो, अगर तुम अपनी बहन दीपा के बारे में सच सच बताओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं रजनी जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बोलो अबीर, अपने लिए ना सही, अपनी बहन दीपा के लिए ही सच बोल दो। देखो मुझे पता है कि तुम जानते हो कि दीपा के साथ क्या हुआ था, सच बता दो। रजनी को सजा मिलेगी और तुम्हें छुटकारा उस घाव से, उस बोझ से जो तुम इतने सालों से झेल रहे हो। अबीर, क्या कर रहे हो वहां मिट्टी में? चलो अंदर आओ। मैंने मना किया था ना वहां खेलने से, फिर भी खेल रहे थे। चलो अंदर आ जाओ। Thank you.
बताओ दीपा को क्यों मारा? बोलो। खामोश रहकर कुछ नहीं होगा, बच नहीं पाओगे। अब हमारे पास दीपा की बॉडी है और उससे भी जरूरी एक गवाह, अबीर, जिसने तुम्हें उसकी बहन को मारते हुए देखा है। हर्ष से मैंने उसकी दौलत के लिए शादी की थी, लेकिन उस बूढ़े को अचानक फैमिली की कमी महसूस होने लगी। बाप बनना चाहता था, इसलिए हमने अबीर और दीपा को गोद ले लिया। ना चाहते हुए भी मुझे उसका साथ देना पड़ा। मैं जानती थी कि हर्ष कुछ दिनों में मरने वाला है, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि उसकी सारी जायदाद दीपा और कबीर को मिल जाए। इसलिए मैंने दीपा को मार दिया और मौका देखकर मैं अबीर को भी मारने वाली थी, लेकिन तभी पता चला कि हर्ष ने मुझे ही धोखा दे दी। उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी, वो खुद कर्जे में डूबा हुआ था। मैंने उसे तुरंत डिवोर्स दे दिया और अबीर हर्ष के साथ चला गया, लेकिन कुछ दिनों में ही हर्ष की मौत हो गई और अबीर फिर से ऑर्फेंस हाउस चला गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दीपा को मारते हुए अबीर ने मुझे देख लिया था, नहीं तो मैं अबीर को भी नहीं छोड़ती। अब ये बताओ कि नैना के मर्डर और रिया के गायब होने से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानती, रिया और नैना के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। जो सच था वो मैंने कबूल तो कर लिया ना। 7 सालों बाद नन्नी दीपा को इंसाफ मिला। ये बात साबित हो गई थी कि रजनी ने ही दीपा की जान ली, लेकिन नैना की मौत और रिया के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं था। आखिर पुलिस को अपना ध्यान फिर से उन दो संदिग्धों पर केंद्रित करना पड़ा, पद्मा और अभीर। लेकिन पुलिस के अनुभव और अचूक परख की बदौलत ये गुत्थी भी सुलझ गई। पद्मा के कॉल रिकॉर्ड्स, ये देखो, इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स, कोड देखो, गोवा का है। उन्होंने अभीर के अरेस्ट होने के बाद बौखलाई हुई रिया ने पद्मा को कॉल किया होगा गोवा से, और इसीलिए वो एकाएक गोवा के लिए निकल पड़ी। एक काम करो, ये लैंडलाइन नंबर्स कहाँ के ट्रेस करो और गोवा पुलिस से वहाँ पर रेड करने को बोलो। यस सर। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैनेजर चाबी दो। अब क्यों ले जा रहे हो? अरे मैंने सब बता तो दिया। रिया, रिया बेबी तो कैसी है? रिया बेबी, बेटा घर चलो। कौन सा घर? कोई घर नहीं है मेरा काकी। नहीं मैम, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हारे पापा है ना बेटा? पापा? वो पापा जो यहाँ तक भी नहीं है। कहीं नहीं जाओगी काकी, कहीं नहीं जाओगी। कहीं नहीं जाओगी तो अब तुम सीधे जुवेनाइल जेल जाओगी। तुम्हारे बैग से तुम्हारी माँ का खून मिला है। क्या रखा था उसमें? मर्डर वेपन। आई एम श्योर उसे तो तुमने ठिकाने लगा ही दिया होगा, लेकिन बैग से खून साफ करना भूल गई है ना? बस आप, हाँ, बात तो सुनो सर। कोई फायदा नहीं है, मदद नहीं कर पाओगे उसकी, बल्कि तुम भी जेल जाओगे रिया को बचाने के जुर्म में, और साथ में अभीर भी। मैं नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। What the hell is this? क्या हो रहा है ये सब यहाँ पर? तुम इतनी चीप हो गई हो कि अब ऐसे लड़कों को घर पर लाने लग गई हो? मॉम रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप बैठो। और तुम गेट आउट फ्रॉम हियर। मॉम ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजारू लड़की, तेरी जैसी लड़की मुझे कभी नहीं चाहिए थी। तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे नहीं चाहिए। कुछ देर के लिए मैं डर गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो भी हो, रिया बेबी को बचाना था उस घटिया औरत की वजह से।
मैं रिया बेबी की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी साहब। रिया बेबी, रिया बेबी सुन संभालो, तुम लोग जाओ यहाँ से, वहां में जल्दी से, लोगों को लगेगा कि चोर आया था, मैं भी बोल देगी कि रिया बेबी को किडनैप करके ले गया चोर। और सुन, बिल्डिंग के पीछे के रास्ते से जाना, आगे कैमरा लगा हुआ ऊपर, और तू सुन, वो बैठ ला, मेरे को मार जोर से मार मेरे को। काकी मैं कैसे आपको मार सकता हूँ? अरे प्लीज, जो बोलती हूँ करना वैसा, तू जब बैठ ले गया जल्दी कर। रिया बेबी की जिंदगी तो पहले से सजा थी, मैं तो बस एक मौका देना चाहती थी उसे जीने के लिए। लेकिन तुम्हारे इस मौके ने रिया का भला कम बुरा ज्यादा किया है। तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ रिया, लेकिन तुम्हें भी समझना जरूरी है कि तुम्हारे इसी गुस्से ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो क्रोध ही था जिसकी वजह से रिया और उसकी माँ के बीच में दरार पैदा हुई। वो क्रोध ही था जिससे उत्तेजित होकर इंदर ने अपनी पत्नी नैना पर जोर जबरदस्ती की, जिसके परिणामवश रिया का जन्म हुआ और उसी क्षण से नैना ने रिया से मुंह मोड़ लिया। रिया को अपने किए की सजा मिली, जिसे काटकर अब वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। अतीत में मिले जख्मों को अभीर भुला चुका है, अब वो दोनों साथ में हैं, अब वो यतीम नहीं है। जिस तरह से एक नवजात पौधा जीवित रहने के लिए धूप और पानी पर निर्भर होता है, उसी तरह से इस दुनिया में जन्मे हर इंसान का विकास उसे मिलने वाले प्यार और परवरिश पर निर्भर होता है। बच्चों को जब प्यार नहीं मिलता, सही परवरिश नहीं मिलती, तो ये खाली जगह भर जाती है क्रोध से, और इसके परिणाम काफी खतरनाक हो सकते हैं। इतने खतरनाक कि ये कभी कभी कई जिंदगियां बर्बाद करके रखते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।